हूँ राधिका। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म मिस्ट्री रिलीज हो चुकी है। फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म को क्रिटिक्स ने जबरदस्त रिव्यूज दिए हैं, वहीं ऑडियंस ने फिल्म को दिया है थम्स अप। जी हाँ, फिल्म लोगों को हंसाने के साथ साथ खूब डरा भी रही है। फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म तो आपने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो देखेंगे, पर जब सुनेंगे इसकी सच्ची कहानी तो आपके होश उड़ जाएंगे। '90 के आसपास की बात है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अंधविश्वास फैल गया था। इस अंधविश्वास के मुताबिक रात के समय शहर की गलियों में एक भूतनी घूमती थी। ये मर्दों को अपना शिकार बनाती थी। कहानी ऐसी भी है कि ये भूतनी घर के बाहर से मर्दों को आवाज लगाती थी। वो उसी आवाज में आवाज लगाती थी जैसे उस मर्द के घर में उसकी बीवी, बहन या फिर माँ की आवाज होती थी। मर्द घर के बाहर जैसे ही जाते थे तो भूतनी उसे 24 घंटे के अंदर मार देती थी। कर्नाटक में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी और यहाँ तक कि मर्दों ने रात के समय घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। वहां के लोगों ने इससे बचने का एक तरीका निकाला, वो था नालेबा, यानी कि कलाना। लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू कर दिया। लोगों का मानना था कि ये लिखने से भूतनी वापस लौट जाती थी। आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन 1 अप्रैल को वहां के लोग नालेबा डे जरूर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थी इस्त्री की सच्ची कहानी। वैसे आपको फिल्म इस्त्री कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।